रांची में 24 मई को झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन के राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन के बाद आज से झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन में न्यायिक कार्य की शुरुआत होने जा रही है। यह दिन कई तरह से खास होगा क्योंकि जहां एक ओर झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन में न्यायिक कार्य प्रारंभ होगा, वहीं पहले दिन ही झारखंड हाईकोर्ट की संवैधानिक पीठ की बैठक भी होगी, जो यह तय करेगी कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण के मामले की अपील झारखंड हाईकोर्ट के एकल पीठ में होगी या फिर खंडपीठ में। जून 2023 से झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन में न्यायिक कार्य का शुभारंभ होगा। कल का दिन विशेष इसलिए भी हो जाता है कि न्यायिक कार्य का शुभारंभ होने के साथ ही पहले ही दिन झारखंड उच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ भी बैठेगी। तो जैसा कि आपको बता दें कि आज से झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन में न्यायिक कार्य की शुरुआत होने जा रही है और ये कह सकते हैं कि झारखंड के लिए ये एक बड़ी बात है। वहीं बीते 24 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भवन का उद्घाटन किया था। झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों किया गया था। आज वही झारखंड नए झारखंड हाई कोर्ट में न्यायिक कार्य की शुरुआत होने जा रही है। और इसी खबर पे तमाम जानकारी की लौट भी हमारे साथ संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन में न्यायिक कार्य की शुरुआत हो रही है और झारखंड के लिए राहुल ये कितनी बड़ी बात है, जिस तरीके से आप वहां पे मौजूद भी हैं, क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है वहां पर? देखिए, झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन में आज पहले दिन न्यायिक कार्यों की शुरुआत होगी और हम इस समय झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन परिसर के अंदर हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से पहले हम दिखाएंगे किस तरीके से अंदर की जो भव्यता है, आप देख के अंदाजा लगा सकती हैं कि जो हाई कोर्ट का नया परिसर है पूरी तरीके से सजाया गया है, पेड़ पौधे लगाए गए हैं और आज जो है पहला दिन है। पहला दिन इसलिए भी खास होता है सबके वो अधिवक्ताओं के लिए और जो न्यायाधीश उनके लिए भी खास होने वाला है, क्योंकि नए भवन का उद्घाटन 24 मई को देश की राष्ट्रपति ने किया था और आज इसकी शुरुआत हुई। काफ़ी भव्य है, 65 एकड़ में इस भवन का निर्माण है। देखिए, एक्सलेटर है अंकिता, एक्सलेटर ऊपर जाने के लिए बनाया गया है। अगर आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, यहाँ पे आपको एक्सलेटर बनाया गया है, एक्सलेटर से आप ऊपर जा सकते हैं। वो सारी सुविधाएं, वो सारी व्यवस्थाएं इस कोर्ट परिसर में की गई है। हालांकि इंडिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट परिसर है और आप देखेंगे जिस तरीके से कि इस हाई कोर्ट परिसर में वो सारी सुविधाएं, अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई हैं जो कि एक जरूरत की सुविधाएं होनी चाहिए। अब यहाँ पे समझ में थोड़ा आना मुश्किल है कि किस तरीके से राहुल, जिस तरीके से झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण के मामले में झारखंड हाईकोर्ट की संवैधानिक पीठ की सुनवाई करेगी संवैधानिक पीठ, तो इसकी भी पूरी जानकारी हमें दे राहुल। देखिए, संवैधानिक पीठ की आज सुनवाई होगी जिसमें कई विषयों की सुनवाई होगी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि आज का जो दिन होगा, आज का जो दिन है, कई मायने में खास होगा क्योंकि झारखंड के पहले दिन ही संवैधानिक पीठ का बैठना झारखंड के लिए गौरव का विषय है। हालांकि झारखंड हाई कोर्ट में वैकेशन खत्म होने के बाद 12 जून यानी आज से झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन में न्यायिक कार्यों की शुरुआत हो गई है। जी राहुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे दर्शकों तक वहां की
नई तस्वीरें दिखाने के लिए। तो जैसा कि आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था, और आज वही नए भवन हाईकोर्ट के नए भवन में आज से न्यायिक कार्य की शुरुआत होने जा रही है। इसे लेकर सारी तैयारियां भी की गई है, और साथ में हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज सबसे पहले हाईकोर्ट की संवैधानिक पीठ की बैठक होगी, जिसमें झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ सुनवाई करेगी।